मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैं 30 सालों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, बहुत सेफ फील करती हूँ। हम जब भी यहाँ पे कितने दिन हम यहाँ पे सेवा पे आकर लगा जाते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, सब यहाँ पे सुरक्षित हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है, मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम, आप? मैं प्रियंका इंसान फ्रॉम बसी पठाना। कितने सालों से मैम डेरे में आ रहे हैं आप? मैम 30 सालों से। यहाँ पे आप एज ए बींग वोमन आप कितना सेफ फील करते हैं? मैम बहुत अच्छा लगता है डेरे में आके। गुरुजी मानवता भलाई के बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, फिर भी उन पे दोष लगाए जा रही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे कोई धर्म जात किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता, सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है यहाँ पर। जी, यहाँ पे स्पेशल कोई धर्म को लेकर शिक्षा दी जाती है? नो मैम, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, सभी धर्म जात सब मिटा दिया जाता है यहाँ पे, सभी धर्मों को एक माना जाता है यहाँ पे। मैम यहाँ पे डेरा सच्चा सौदा में जो दिखाया गया था कि यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ ऐसे मीडिया में अफवाह फैला था या फिर मीडिया में बोला गया था, जो महिलाओं को लेकर इज्जत के ऊपर तार तार करते हुए क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया गया था, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है, मैं 30 सालों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, बहुत सेफ फील करती हूँ। हम जब भी यहाँ पे कितने दिन हम यहाँ पे सेवा पे आकर लगा जाते हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, सब यहाँ पे सुरक्षित हैं, हमें कुछ ऐसा फील नहीं होता कि यहाँ पे कोई असुरक्षित है। ये तो बिल्कुल झूठ है, दोष लगाए जा रहे हैं गुरुजी पर। गुरुजी इतने मानवता भलाई के काम कर रहे हैं समाज में, देखो वैश्वाओं को पिताजी ने खुद बेटी बनाकर। और कौन से मानवता भलाई कार्य किए हैं गुरुजी? वैश्वाओं को बेटी बनाया, उनकी शादियाँ करवाई, उनके नए घर बनाए, उधर उन्होंने किन्नर जो समाज उनको सुखदुआ समाज का नाम दिया, थर्ड जेंडर का उनको दर्जा मिला, समाज में बहुत सारे ऐसे मानवता भलाई के काम किए हैं। और यहाँ पे सफाई अभियान बहुत चलाए हैं गुरुजी ने, 138 मानवता भलाई के काम हो गए। यहाँ पे जो अपंगा पाइज होते हैं उनको ट्राईसाइकिल दी जाती हैं, मानवता भलाई के इतने दीन दुखियों की मदद की जाती है, बेसहारा को सहारा दिया जाता है, गरीबों को मकान बनाकर दिया जाता है, आशियाना मुहिम के तहत उनको मकान बनाकर दिए जाते हैं। जो मकान बनाए जाते हैं मैम, उसके लिए जो हेल्प दिया जाता है, फाइनेंशियली हेल्प दिया जाता है, वो कहाँ से आते हैं पैसे? मैम दीन दुखियों की मदद के लिए जो साथ संगत पैसा इकट्ठा करती है, परमार्थ निकालती है, रोज का एक एक रुपया निकालती है संगत, वो इकट्ठा किया जाता है, वो दीन दुखियों की सेवा में ही लगाया जाता है। ये तो आप बोल रहे हैं कि जो लोगों द्वारा किया जाता है, गुरुजी का कितना योगदान रहता है इसमें? गुरुजी अपनी कमाई का भी बहुत योगदान इसमें डालते हैं, ये तो है नहीं कि सारी संगत, सारी मतलब दुनिया लगा लो या सारी संगत लगा लो, सभी का ही योगदान होता है, और जो पैसा इकट्ठा होता है सारा दीन दुखियों की मदद पे ही लगाया जाता है। जी, यहाँ पे जैसे आपने बोला कि गुरुजी ने मानवता भलाई कार्य काफ़ी किए हैं, तो जो गरीब बच्चे हैं जिन जो पीछे गुरुजी ने एक और मानवता भलाई में एक और जोड़ किया हुआ था, जैसे कि दीन दुखी बच्चों को आपने अपनी तरफ से जो नहीं मतलब खाने पीने के लिए अपनी चीज़ें पूरे अवेलेबल उनको मिल पाता है, नहीं पूरा हो पाता है, उनके लिए किस तरीके से आप लोग योगदान करते हैं? उनके लिए मैम उनको किट बांटी जाती है, किट में पूरा राशन होता है, जैसे एक महीना का हो गया, जो गरीब बच्चे हैं उनको पूरी स्टेशनरी का सामान दिया जाता है ताकि वो पढ़ पाएँ, उनको किताबें दी जाती हैं, सिलाई सेंटर खोले गए हैं यहाँ पे, उनको मशीनें दी जाती हैं ताकि महिला आत्मनिर्भर हो सके, वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इंडिपेंडेंट बन सके, किसी पर डिपेंड नहीं है आज की महिला। जी, यहाँ पर जो छोटे उम्र में काफ़ी छोटे छोटे उम्र में जिनका शादी हो जाता है या फिर वो विधवा हो जाती है, उनके लिए गुरुजी ने क्या किया? उनके लिए गुरुजी ने मतलब भक्त मर्दगाजी से उनकी शादी करवाई है, यहाँ पे बहुत शादियाँ ऐसी हो चुकी हैं, कितने भाई यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे नाम लिखवाते हैं कि हम ऐसी विधवा से शादी करेंगे, उनका नया घर बसाते हैं। जी, तो अभी तक कुल मिलाकर कितनी ऐसी जो महिलाएं हैं जिनका विवाह हो चुका है, उनके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? कुछ आइडिया है कि अभी तक कितना हो चुका है? बहुत सारी लड़कियों के पिताजी ने शुभ देवियों की शादियाँ करवाई हैं, बहुत सारी हैं। जैसे कि देखा मैम ने, आपने बताया है कि ये काफ़ी सालों से कम 30 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। मैम आखिरी एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाएंगे उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो बेहद झूठे बेबुनियाद आरोप हैं उन पे। हम 30 सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पे फील नहीं होता, बिल्कुल बेबुनियाद झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं गुरुजी पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं बिल्कुल सेफ फील करते हैं हम यहाँ पे। जी, तो गुरुजी को लेकर आप सरकार से क्या अपील करेंगी? ये झूठे आरोपों को हटाया जाए, गुरुजी को रिहा करो।
जी, यहाँ पे स्पेशल कुछ ऐसा है जो धर्म को लेकर कोई स्पेशल शिक्षा दी जाती है? नो मैम, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है, सभी धर्म जात सभी लोगों को एक मतलब एक ही माना है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो देखा मैम, आपने सभी ने सभी अपना एक ही व्यू दे रहे हैं, एक ही टिप्पणी करते हुए यही बता रहे हैं कि गुरुजी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, सरकार से यही अपील कर रही है जनता कि जल्द से जल्द गुरुजी को वापस भेजा जाए। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.